यहाँ जितने भी लोग हैं, पता नहीं क्या श्राप कहिए कि यहाँ का दुर्भाग्य कहिए कि हम आम मतदाताओं का, कि लोकल जनप्रतिनिधि जो है, जो बढ़िया जनप्रतिनिधि होना चाहिए यहाँ, यहाँ नहीं आज तक बना सकता। पंचायत या नगर परिषद से खरीदा जा सकता है, एक एम्बुलेंस भी खरीदा जा सकता है जो कि नौगछिया नगर परिषद में खड़ा रहे। अगर यहाँ के लोगों को, अगर जहाँ जाके लोग जो है अगर कोई शिकायत करे तो वो स्कूटी को इस कालखंड के शिव शिष्य परिवार के पहले शिव के शिष्य स्वामी हरिंद्रानंद जी महाराज का जो है निधन हो गया और उन्हें भी हम कार्यक्रम के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि सदासुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने पूरे संसार के लोगों को शिव के सूत्र में बांधा, से जुड़े हुए लोग हैं उनमें निश्चित रूप से शोकाकुल माहौल है। हम आज के इस कार्यक्रम से स्वामी हरिंद्रानंद जी महाराज को भावपूर्ण श्रद्धांजलि श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे जी? जी, मैं उनको नमन करता हूँ। बहुत शिव शिष्य हम लोग के वार्ड में है, बहुत माहौल एक गमगीन सा है। जितने भी शिव शिष्य हैं, शिव परिवार है, मेरा उनका कोटि कोटि मैं उनको प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं अपने वार्ड की तरफ से, मैं अपनी तरफ से, मैं उनके चरणों में प्रणाम। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूँ वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। नौगछिया नगर परिषद का कार्यकाल पूरा हो चुका है, एक पंचवर्षीय का, और चुनाव जो है वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो विभिन्न प्रकार की राजनीतिक बातें, राजनीतिक के गलियारों में अब धूम शुरू हो चुकी है। इसी बीच हम अपने कार्यक्रम जिसका नाम है आपकी बात वरुण बाबुल के साथ, और आज हमारे साथ जो आज के इस कार्यक्रम में जो अतिथि के रूप में आप सबों से रूबरू होंगे, वो इस नगर पंचायत जो बाद में नगर परिषद बन गया है, नौगछिया नगर परिषद के वार्ड संख्या 16 के पार्षद हमारे साथ हैं, अजय उर्फ प्रमोद यादव जी। अजय जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे शो में जिसका नाम है आपकी बात वरुण बाबुल के साथ। श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं वर्तमान में वार्ड नंबर 16 जो अभी निर्वतान नगर परिषद में वार्ड नंबर 19 हो गया, मैं वार्ड पार्षद हूँ। और बीते 5 साल में जो कार्यकाल हम लोग का रहा, निवर्तमान जो हमारे पार्षदों के सत्तासीन पदाधिकारी थे या वर्तमान में अभी भी जो हैं, बहुत ही एक नौगछिया नगर पंचायत से नौगछिया नगर परिषद का दर्जा मिला। बहुत खेद होता है कि इस बाजार या इस नगर परिषद को जो पूर्व में पार्षदों ने, अध्यक्ष ने, उपाध्यक्ष ने सजाने का काम किया था, इन्होंने, इन सभी ने मिलकर उसे उजारने का काम किया है। और आज भी अभी निर्मितवान आपको एक उदाहरण देते हैं, मेरे ही एक वार्ड में बहुत निहायत गरीब महिला है, उसके नाम से इंदिरा आवास मिला जी। और नगर परिषद कार्यालय की स्थिति ये है कि उसका जो 50,000 रुपया जो अग्रिम राशि दिया जाता है, वो किसी और के भागलपुर के अकाउंट में उसको डाल दिया गया है। और वो औरत बार बार जा रहा है ऑफिस, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। हार निहार के वो मेरे पास आई, तो मैंने बात किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सोमवार को, कल ही सोच रहे हैं कि वहाँ जाके साहब से मिलेंगे, क्या आदेश होता है उनका। ये तो स्थिति है, अब क्या कहिएगा। निश्चित रूप से करेंगे बातचीत हम बिल्कुल अपने इस कार्यक्रम में। अजय जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बिहार में अगर लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, या फिर नगर निगम या ग्राम पंचायत का पंचायत निकाय हो या नगर निकाय हो, कहीं ना कहीं एक जाति विशेष चुनाव रहता है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार में जातिगत आधार पर भी चुनाव होती है, और ऐसा लोगों को लग रहा है, नौगछिया नगर परिषद के लोगों को लग रहा है कि एक खास जाति के लोग सभापति के लिए, चेयरमैन पद पर
जो है वो दावेदारी ठोकेंगे। ये उन लोगों की सोच हो सकती है, ये मैं अपने मुख से या अपना अनुभव बता रहा हूँ जी। जब से नगोशिया नगर पंचायत का गठन हुआ, पूर्व में मेरे माता पिता समुचित काल में उपाध्यक्ष रहे और निवर्तमान अभी जो मैं पार्षद हूँ, मैं 16 का ही बात करता हूँ जो अभी 19 हो गया है। मुश्किल से हमको लगता है कि यादव वर्ग अगर होगा तो 8 से 10 घर होगा और टोटल सारा जात है हम लोग के बारे में, और सबसे अधिक मतों से, सबसे ज़्यादा मार्जिन से, सबसे ज़्यादा वोट लाकर हम इस नगोशिया नगर पंचायत के अभी के चुनाव में हम चुनाव जीतने का काम किया। अगर जाति आधारित अगर हम लोग का चुनाव होता नगर पंचायत का या नगर निगम का, तो हम लोग को तो अपने गांव भवानीपुर के रूप कर देना चाहिए, बाजार में हम लोग जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बात रखने का तरीका है, लोग अपना ढंग से सोचते हैं कि हम यादव हैं, ये बेस है, ये बनिया है। ये MP MLA के चुनाव में चल सकता है, लेकिन नगर में ये नहीं चल सकता है। सुदूर देहात में हो सकता है, लेकिन शहर में नहीं चलेगा। ये अपने अपने कर्म की बात है, आपका कर्म बढ़िया है तो निश्चित यहाँ के सारे जाति के लोग मिलकर वोट देते हैं। मैं एक मुखिया को का चुनाव करने जा रहा हूँ, वार्ड पार्षद का चुनाव करने जा रहा हूँ, सक्षम लोग हैं, उस आधार पर यहाँ वोट किया जाती है। जैसा कि राजनीति के गलियारे में, खास करके नगोशिया नगर परिषद के गलियारे में चर्चा है कि सबसे ज़्यादा उम्मीदवार यानी चेयरमैन सभापति में आपके ही जात के होंगे, यानी आप ही के बिरादरी के होंगे, तो ये जो चुनाव है वो काफ़ी रोमांचक होगा, आप इसे मानते हैं जी? ना, ऐसी कहीं कोई बात नहीं। शहर का पूर्व में भी मेरे ही जात के लोग या जाति का कह लीजिए कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निवर्तमान में है, लेकिन 5 साल जो उनका कार्यकाल रहा, अगर इस आधार पर देखा जाए तो फिर वो लौट के नहीं आ सकते। इस स्थिति में कर्म की बात है, अगर बाजार वासियों को या नगर परिषद के जितने भी मतदाता हैं, अगर पूर्व का अवलोकन करके अगर वोट को देने का काम करेंगे, जो मुझे लगता है कि देने का काम करेंगे, जो जाति विशेष या यादव को लेकर चलेगा, तो हमको लगता है जमानत भी नहीं बचेगा उसका। स्थिति ये रही बात, हम अपने बाजार में बाजार के वार्ड के पार्षद हैं जो वर्तमान में प्रतिनिधि के तौर पर थे, उन्होंने तो यहाँ के प्रबुद्ध जनों को, जो एक हस्ती है हमारे बाजार से, उनको बेइज्जत करने का काम किया है, उनको मारने पीटने का काम किया है, उनको गाली गलौज देने का काम किया है। इससे भी नीचे स्तर का भी जो होता है वो कल्पना नहीं कर सकते, मैं आपको बता नहीं सकता इस लाइव में जी। ऐसा ऐसा कुकर्म करने का काम किया है, वो बड़ी ही क्षोभ की बात है। अजय जी, जिस तरह से कि आपके पिताजी कृष्णदेव यादव जी और जो है अभी शारीरिक रूप से कुछ उम्र के साथ वो अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी पहचान नगछिया के राजनीतिक क्षेत्र में नगर परिषद और नगर पंचायत में कहें तो उनकी एक छवि रही, एक स्थान रहा, यहाँ के राजनीति में वो एक जो है ऊंचे स्थान पर बैठे रहे। इसका प्रमुख कारण क्या था, यानी कि उनके कार्यकाल के अलावा भी उनका एक बड़ा योगदान रहा, यानी लोगों ने उन्हें सर पर बिठा कर रखा, इसका क्या सबसे बड़ा कारण था? क्योंकि आप परिवार के हैं तो आपको तो निश्चित रूप से जानकारी है। हमारे परिवार का, और हमको लगता है कि एक जड़ के रूप में कहा जाए, हम लोग गांव से जो आज नगोशिया शहर आए, वो अपने कर्म से हम लोग को लेके यहाँ आए, हम लोग के जरूर वो एक जड़ है और हम लोग एक दाल पात हैं, उनके दाल पात में हम ही लोग नहीं हैं, इस क्षेत्र में बहुत ऐसे लोग हैं जो उनसे लाभान्वित हुए, बहुत ऐसे राजनेता हैं जो उनके द्वारा सींचे गए हैं। आज नगोशिया बाजार में आप लोग को याद होगा कि नहीं होगा, पत्थर का ईंट का रोड था जी, ढलैया किसको कहता है, ढलैया रोड किसको कहता है वो नहीं जानता था यहाँ का बाजार। उसका शुरुआत उस समय के राजनेता के साथ हमारा या हमारे पिताजी का, हम लोग भी उस समय
यंग थे जी। हम लोग भी रहते थे, पिताजी की देन है, मेरे पिता का देन है कि ये समूचा बाजार जो है ये ढलिया रोड नजर आ रहा है, उसको सजाने का काम किया। जब तक नौगछिया नगर पंचायत में रहे, नगर पंचायत में भी उपाध्यक्ष के पद पर रहे, उसमें अध्यक्ष का जो है वो सुरक्षित सीट था, उपाध्यक्ष के पद पर रहे, नौगछिया नगर पंचायत को समूचे बिहार में उस समय के जितना भी टीम था उनका दूसरा स्थान लाने का काम किया, जो कि वो शील्ड और मेडल या प्रशस्ति पत्र जो है हम लोग के रीजन में आया था एक आध महीना के अंदर। तो इस समय के जो जनप्रतिनिधि थे उनको सिर्फ वो लेके फोटो खिंचाए, लेकिन देन वो पूर्व के लोगों की थी, जो मेरे पिता थे, पिता के जी के साथ जो सारा टीम था उनकी देन थी। आज आप सर्च कर लीजिए कि नौगछिया नगर पंचायत या नगर परिषद ऑल बिहार में कम्य स्थान पर, ये उपलब्धि है वर्तमान। तो फक्र तो है ये कि मेरे पिता हैं, ये निश्चित मुझे बहुत बड़ा फक्र है। आपके पिताजी जो है उपाध्यक्ष नगर परिषद नौगछिया के, आपकी माताजी भी रहीं, और निश्चित रूप से तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में शुरुआती से ही हम कह सकते हैं प्रमोद जी की राजनीतिक माहौल बना रहा, तो आपने बचपन से अभी तक में नौगछिया की राजनीति को किस रूप में देखा, यानी किस तरह से नौगछिया की राजनीति चलती है आपने जो देखा? यहाँ एक ही चीज है कि खास करके मेरे जाति में बाहर के बगल के, चाहे वो नारायणपुर के हो और कहीं के हो, जो भी जादव में हम लोग के यहाँ विधायक बने या एमपी बने, लोकल यहाँ जितने भी लोग हैं, पता नहीं क्या श्राप कहिए कि यहाँ का दुर्भाग्य कहिए कि हम आम मतदाताओं का, कि लोकल जनप्रतिनिधि जो है जो बढ़िया जनप्रतिनिधि होना चाहिए यहाँ, यहाँ नहीं आज तक बना सके, लोग बना सके, जो आए भी काम किए, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको दिग्भ्रमित करने का काम किया, उनसे गलत और सही में फर्क करना वो इस हिसाब से उनको लेके चले कि अपने कब्जे में लेके, या अपना मतलब क्या कहा जाए कि उसको इस तरह से लेके निकले कि सही कार्य जो है अगर करने लगा, अगर गांव समाज का भलाई करने लगा, या आपको कोई वर्क है या सरकारी वर्क है तो उसमें जो है सही गलत कैसे करना है, सिर्फ गलत करवाने का प्रयास करने लगा, जिसके चलते आज पूर्व के भी जो भी बने हुए थे यहाँ उनकी विदाई हुई। तो राजनीति क्या कहिएगा, बड़ा हम लोग का संघर्षपूर्ण रहा, जितना भी जिसको भी मेरे पिता ने सींचने का काम किया, और जब वो फल लदा हुआ वृक्ष होने लगा तो सबों ने मिल के जो है ना मेरे पिता का ही जड़ काटने का काम किया, लेकिन उस फल पेड़ का फल सभी ने खाया, सभी ने आनंद उठाया, इसमें कहीं कोई दो राय। अभी वर्तमान में जो स्थिति है या वर्तमान की स्थिति है उसे आप किस रूप से देखते हैं नौगछिया नगर परिषद को, अभी की जो शासन व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, क्या वो आपके अनुसार ठीक ठाक से चल रहा है या नहीं? आपने पहले भी पूर्व में भी मेरा इंटरव्यू लिया जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने पहले भी इंटरव्यू किया जी, बिल्कुल। उस समय का जो भ्रष्टाचार था जी रोड का या नगर पंचायत के विभिन्न योजनाओं का, ऐसा नहीं है कि मामूली एक डस्टबिन भी खरीदा गया है तो उसमें भी दाम नहीं, इंदिरा आवास है तो समुच्चा वार्ड 23 वार्ड है तो 22 वार्ड में सब पैसा लेता है, स्थिति ये मेरे वार्ड में आप घूम के देख लीजिए, अभी भी बन रहा है, अगर कोई माइक लाल कह देगा कि 1 रुपया वार्ड पार्षद लिया है उसमें से अगर 5 रुपया लगा है तो वार्ड पार्षद देने का काम किया, मैं ऐसा वार्ड पार्षद, तो स्थिति यही है। आपको लाइव में उस समय हमको ख्याल है कि राजेंद्र कॉलोनी उजानी की तरफ से जी बिल्कुल फोन आया था या लिख के आया था कि भैया बोर्ड तो लग गया और राशि का निकासी भी हो गया लेकिन रोडवे पता नहीं है कि कहाँ चले गया, तो ये स्थिति क्या कहिएगा इसको? तो क्या ये उस समय, ये लगभग 2 साल पहले की बात होगी, 1.5 साल से ज्यादा, और अभी भी वही स्थिति है कि कुछ बदला हुआ? अभी तो अब मान लीजिए कि अब जो है ऑल इन ऑल सर्वो सर्व स्कूटी
और वो जो चाहते हैं वो होंगे, हम लोग का तो कहीं कोई कुछ नहीं है। जब से भंग हुआ है तब से वही है सर। अब क्या करते हैं नहीं करते हैं हम लोग कहीं को पता नहीं। वर्तमान में नौगछिया में विकास की क्या स्थिति है, कितना डेवलप नौगछिया है? अजय जी, एक पार्षद से ये सवाल है कि आप अपने वार्ड की बात करते हैं, हम पूरे नौगछिया नगर परिषद की बात करते हैं, कि आपके नजरिए से, अगर आपके नजरिए से देखा जाए तो नौगछिया की स्थिति वर्तमान में पहले से कैसी है? क्योंकि अब जिस तरह से भंग हुआ उसके बाद एग्जीक्यूटिव साहब हैं वो भी बदलते रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो शहर को सजाने का या सुंदर बनाने का काम पूर्व में किया गया था, इस रीजन में, इस वर्तमान परिस्थिति में, चाहे वो जल नल में हो कि नमामि गंगे में हो, उसमें जो है उस सुंदरता को जो है ना सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ने का काम किया गया, उसको बदसूरत बनाने का काम किया गया शहर को, जो आज भी आपको नजर आएगा शहर में। रही बात जो वर्तमान में हम लोग के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए थे, उस इंटरव्यू में भी मैंने प्रूफ के साथ दिखाया था, करोड़ों रुपया का जो रोड बन चुका है, बना हुआ है, मिली भगत से उसको राशि उठवाने का काम कर रहे हैं। अगर आप सभी मीडिया अफसर के यहाँ, अगर मंत्री के यहाँ अगर हम नहीं लिखते तो वो करोड़ों रुपया ही लोग गबन करने का काम करता। स्थिति ये थी, ये है, क्या उम्मीद कीजिएगा इन लोगों से। जन सेवा जन का सेवा होता है, लेकिन यहाँ जो है अपने सेवा करने में सारे पदाधिकारी जितने भी उस कुर्सी पर बैठे हैं सब अपना ही सेवा करने में लगे हैं। यही स्थिति नौगछिया नगर परिषद की, कोई काम जो है यहाँ जो है बिना पैसे का नहीं हो रहा है, दुर्भाग्य, कोई देखने वाला नहीं है ऑफिस में क्या हो रहा है, लोगों के साथ, आम जनमानस के साथ क्यों इस तरह का बात हो रही है, कोई कहने वाला नहीं। हम तो अपने वार्ड के, वार्ड नंबर 16 में है या वर्तमान में 19 में जी, तो मेरा पावर या अधिकार मेरे वार्ड तक ही चलेगा, जो मैं नहीं चलने देता हूँ। जब मैं ही चोर नहीं हूँ, मैं ही कमीशन नहीं लूँगा, तो सीधा कहते हैं अफसर को, तुम लेने वाले कौन हो? मैं चोर या बेईमान होऊंगा, मैं कमीशन लूँगा, तब न वो कमीशन ले मांगेगा, तब न यहाँ से खोजेगा। ऐसे अब चोरी छिपे अगर कोई कर देता होगा, दे देता होगा, तो वो उसकी इच्छा है, मेरा दोष नहीं। पहले जो है नगर परिषद में जो चुनाव हुआ, खासकर चेयरमैन का चुनाव हुआ नगर परिषद के, तो वो चुनाव मतलब वार्ड के द्वारा चुने गए थे, और इस बार वोटों पर चुनाव होना है, इसे क्या कहेंगे आप? एक ये अच्छी व्यवस्था है या ये अच्छी व्यवस्था नहीं होगी आपके नजरिए से? बहुत अच्छी व्यवस्था है जी, जो धन बल का प्रयोग होता था वो नहीं होगा। और दूसरी बात है, जो 5 साल जो जिन्होंने जैसा कर्म किया होगा उस आधार पर आम जनमानस जो है वो अपना वोट करेगा। आज जिन्होंने जैसा किया है, मेरा नम्र निवेदन है कि उस 5 साल को देखकर बाजार के लोगों को, व्यवसायियों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को, आम जनमानस या आम वोटर को वो निश्चित देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था, क्या किया है अभी तक, क्या कैसे चल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, नज़र में लेके तब बटन दाबिए। मेरी यही आपसे सबसे अपील। आपका क्या चुनावी मुद्दा होगा, आप क्या कह के चुनाव में उतरेंगे अजय जी? क्योंकि आप भी चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार हैं, आप भी सभापति के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कह के चुनावी मुद्दे में, चुनावी मुद्दे को लेकर चलेंगे, क्या होगा आपका चुनाव? शहर के सबसे पहले तो जितने भी आपको सड़क हैं जिसको उजार के रख दिया गया है, मेरा प्रयास रहेगा कि जैसे पूर्व में शहर की व्यवस्था थी, शहर का सड़क था, उसको यथावत उस स्थिति में कम से कम लाया जाए। दूसरी चीज़ है, आपको बाबू जी याद होगा कोरोना काल में जी, एक प्रसूति महिला थी हमारे बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे याद है, और एक एम्बुलेंस के लिए कैसे छटपटा के रहे जी। जब इतना इतना वाहन नगर पंचायत या नगर परिषद से खरीदा जा सकता है, एक एम्बुलेंस भी खरीदा जा सकता है जो कि नौगछिया नगर परिषद में खड़ा रहे। अगर यहाँ के लोगों को अगर त्वरित अगर कहीं कुछ नहीं मिलता हो, तो नौगछिया नगर परिषद से भी वैकल्पिक एक व्यवस्था है कि यहाँ भी एम्बुलेंस है, आप यहाँ से हायर कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो कम से कम रेट में हो उसको रख के उसको आम जनमानस के बीच निश्चित लगाया जाना चाहिए।
दूसरी चीज है कि नगोछिया नगर परिषद का जो कार्यालय है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, उसको सर्वप्रथम जो है दुरुस्त करने की जरूरत है और मैं इसमें निश्चित पहल करूंगा। तीसरी चीज है, एक काउंटर ऐसा होना चाहिए कि जहां जाके लोग जो है अगर कोई शिकायत करे तो वो एग्जीक्यूटिव को या सभापति को, उप सभापति को भी वो आवे मोबाइल के जरिए या चिट्ठी के जरिए या उस बारे में तीनों पदाधिकारी को, उस वार्ड के पार्षद को निश्चित जानकारी होनी चाहिए कि ये फलाने वार्ड से फलाने व्यक्ति ने फलाने चीज में इनका ये काम है, ताकि वार्ड पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति या उपसभापति, एग्जीक्यूटिव यही मेन होते हैं, उनके नॉलेज में भी रहना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ के अगर काम में अगर लेट लतीफी का अगर इनके द्वारा किया जा रहा है या पैसा का मांग किया जा रहा है तो वो पहल करके उसमें जो है पहल करके उसका काम करवाने का काम करें, देखने का काम करें, इससे होगा क्या उस भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी जिसका हमको लगता है कि आज तक पूर्व में किसी ने ऐसा नहीं किया। वो काउंटर निश्चित बनाने का काम किया जाएगा जो मेन मुख्य गेट पर रहना चाहिए, ताकि उसके बाद उसी गेट पर, उसी काउंटर पर उसको ये जवाब मिलना चाहिए कि हाँ हम हमारा काम कितने दिन में होगा। अगर वो आवे उसको ये सूचना मिलना चाहिए, मोबाइल में मैसेज जाना चाहिए कि आपका काम ये व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और निश्चित रूप से आप अपनी बातें हमारे माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। प्रमोद जी, जिस तरह से अभी वर्तमान की स्थिति है और वर्तमान में जो कार्य चल रहा है, एक सबसे जो अहम लोगों को समस्याएं दिखती है, लोगों को दिखती है, आम लोगों को दिखती है कि बरसात के बाद सड़क पर पानी जम जाता है और इसका आप जो है लगातार आप न्यूज में भी देखते होंगे, सोशल मीडिया पर भी लोग काफी वीडियो वायरल करते हैं, खासकर नौगछिया का स्टेशन रोड और भी कई तरह का रोड रहता है जहां की गंदा पानी सड़क पर बहने लगता है बरसात के दिनों में, चूंकि बरसात होगी तो बारिश होगी, तो आपके दिमाग में कोई मास्टर प्लान है इसके लिए नौगछिया को लेकर? सबसे पहले तो दोषी यहाँ के दुकानदार जो नाली पर अपना अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, सबसे पहला काम। आप स्टेशन रोड में भी जाइएगा, हम लोगों में भी देखा है कि पानी जो जहाँ जहाँ जमा है उस जगह पर आप नाली पर देखिए कि दुकान जितना है उसका अंदर उतना दुकान उसका बाहर भी, और नाली को वो अपने कब्जे में करके बैठा है। धीरे 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 डस्ट जमा होते होते नाली का कचरा ना निकलता है उससे, ना साफ सफाई होती है, तो पानी कैसे निकलेगा हमको ये बताइए। तीसरा चीज है बाजार का जो स्थिति है, समूचे बाजार में आप घूम जाइए, एक मामूली मोटरसाइकिल से भी लेके आप सही से नहीं पहुंच सकेगा अपने गंतव्य पर। अतिक्रमण की भी समस्या है, स्टेशन रोड में सब्जी हाट, सब्जी हाट का जितना भी कचरा है वो सारा का सारा निश्चित है कि वो नाली में जाता है, उससे जो बाहर निकलता है वही सफाई कर्मी उठाते हैं, रोड पर फेंक दिया जाता है, बारिश पड़ता है वो नाली में जाके बह के चले जाता है, ये स्थिति है। आज के अभी के वर्तमान SP साहब हैं, इन्हीं के पहल से स्टेशन रोड को अतिक्रमण मुक्त किया गया था, लेकिन फिर वही स्थिति, कहाँ कोई सुधार हो रही, जहाँ थे वहीं फिर आ गया। कोई पदाधिकारी आपको नजर नहीं आएगा नगोछिया बाजार में, अगर जाम लगल है, कोई बीच रोड में मोटरसाइकिल लगा दिया है, कोई बीच रोड में गाड़ी लगा दिया है, ठेला टमटम रिक्शा टोटो, आप निकल के देखिए कि अगर किसी का ट्रेन है तो वो निश्चित है कि एक घंटा पहले अगर नहीं जाएगा स्टेशन तो उसका ट्रेन छूट जाएगा, ये हालत है बाजार। तो मेरी नाली का बात आप करते हैं, यहाँ तो सबसे बड़ी चीज उसका मुख्य समस्या है अतिक्रमण, जब तक इस समस्या से निदान नहीं मिलेगा यहाँ के व्यापारियों को ये समझना पड़ेगा कि मेरी दुकान है, मेरे आगे अगर कचरा जमा है, पानी बारिश का जमा है, रोड जाम है, अगर आप उसमें व्यवधान करते हैं, आप उसमें समस्या पैदा करते हैं तो वो आप अपने दूसरे के लिए थ्रो कर रहे हैं, आप अपने लिए भी कर रहे हैं। आज स्टेशन रोड में या जहाँ भी जो बाजार में है नो एंट्री लगल है, सारा सब जगह बोर्ड लगल है, लेकिन वो दिखावे की चीज़ है, उसका कोई पालन नहीं हो रहा है, ना करवाने की कोई चेष्टा है। आज यही चीज़ अगर नगोछिया नगर परिषद से ही
टेंडर निकाल के कर दिया जाए कि जहां जहां नो पार्किंग का बोर्ड लगा के ठेला टोटो मोटरसाइकिल उसका आप शहर में जाके देखिए होता क्या है कि उसका टेंडर करके उसका रसीद छाप दिया काटा जाता है कि नो पार्किंग का प्रशासन करता है। अगर इस ढंग से कर दिया जाएगा तो लोग ऐसे भी तब नहीं लगाएंगे तत्काल, तो तुरंत अभी अगर ये कर दिया जाए मेन रोड भी क्लियर कर दिया जाए तो हमको लगता है कि 75% तो ऐसे आपको जो है समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। प्रमोद जी लगातार सवाल हमारे और आपके जवाब चल रहे हैं, निश्चित रूप से लोग भी वीडियो को देख रहे हैं। एक चीज जो है जो कई ऐसे जो गांव हैं जो ग्रामीण क्षेत्र है जो नगर से जुड़ा हुआ है लेकिन वहाँ के लोगों की शिकायतें रहती हैं कि उनके उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती है जबकि वो होल्डिंग टैक्स भी भरते हैं, जिनमें कि श्रीपुर धुबिनिया रसलपुर कई ऐसा गांव आता है जहां के लोगों की यह शिकायत है कि उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती है जबकि वो नगर में रहते हैं। ये आप निवर्तमान जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं या अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है या वहाँ के जो पार्षद हैं, मैं सर्वप्रथम तो वहाँ जो पार्षद हैं मैं उनको दोषी समझता हूँ। अगर आप अपना प्रयास नहीं करते हैं, प्रयास करते हैं तो नहीं सुनता है, नहीं आपका सुना जा रहा है, आप विरोध कीजिए, बोलिए, लिखिए, देखिए नहीं होता है, आप चुप हो जाइएगा, कौन करने वाला है, कौन सुनने वाला है। यहाँ साल में जो है एक बार भी अगर हम लोग का नाली साफ हो जाता है तो हम लोग गदगद हो जाते हैं कि नाली समूचा वार्ड का साफ हो गया, कहीं कहीं के वार्ड में जो है महीना में साफ होता है। ये स्थिति जो ग्रामीण इलाका है उसको जो है यहाँ जो है मान लीजिए उसको मेहतर दिया गया है या सफाई कर्मी दिया गया है, उसको देखा भी नहीं जा रहा है कि वो क्या करने जा रहा है वहाँ, उसको देखने का काम जो है कम से कम वहाँ के कमेटी बना के वार्ड पार्षद अपने निगरानी में अगर करावे तो निश्चित कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। यही स्थिति। अब एक अंतिम सवाल होगा मेरा आपसे कि जो है अभी के वर्तमान में नौगछिया को और पहले के जिस समय आपके बाबूजी कार्यकाल में थे तो पहले आपने तो स्पष्ट कर दिया कि ये वही फल है जो उन लोगों के द्वारा लगाया गया और अभी वो मिल रहा है, तो क्या जिस तरह से यह 20 साल का एक परिवर्तन है अगले 20 साल यानी एक ही पंचवर्षीय में चूंकि पहले से ज्यादा सुविधाएं अभी ज्यादा है, अभी ज्यादातर आधुनिक मशीनें आ चुकी है, टेक्नोलॉजी आ चुका है और वो उपलब्ध भी है कहीं ना, इसी में एक उदाहरण है कि सीसीटीवी कैमरे भी नौगछिया में लगे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान सुविधाओं का उपयोग नगर परिषद नहीं कर पा रहा है या उनको जो व्यवस्थाएं मिली है उसका सही से उपयोग नहीं हो पा रहा है? मैं इसका संक्षेप में एक ही जवाब दूंगा बाबू जी कि आप सबसे पहले आज सीसीटीवी कैमरा लगा है जी, आप पहले ये पता कीजिए चालू कितना है, आपको इसी से जवाब मिल जाएगा इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, किन किन लोगों ने पैसा खाया है, वो सारा चीज जो है उजागर हो गया। आज सीसीटीवी लगा है, क्या ठो पोल में जो है काम कर रहा है, कहीं कोई हमको लगता है खूब होगा तो 8-10 होगा यही काम करता है, इससे ज्यादा का कहीं कोई हमको नहीं लगता है काम करता है। जो बिल बना है जो पैसा उसका उठाया गया है सबने बंदर मत किया है, ये स्थिति। आज हमारे वार्ड नंबर 16 में सबसे नीचे तबके का ये सोतेला व्यवहार या निचता का परिचय दिया गया कि सारे जगह जब लाइट लग गई जी, रोड लाइट, रोड लाइट भेपर जब लग गया जी और हम लोग कहते रह गए पर वैसा दिन सब चीज बीत गया, जब नया साहब आए उनका भी 2-4 महीना हो गया तब जाके उनको भी समझ में आया कि नहीं नगर परिषद के बगल का ये वार्ड है मुख्य बाजार में है, तब उनका आदेश हुआ तब हमको अभी भी लाइट हमारे वार्ड में कम नहीं दिया गया है, क्या कहिए। निश्चित रूप से आपकी बातें यहाँ के लोगों तक पहुँच रही है, जनता तक पहुँच रही है, वार्ड के उन मतदाताओं के पास पहुँच रही है जो अपने मताधिकार का उपयोग कर एक नौगछिया का निर्माण करेंगे, नौगछिया को तैयार करेंगे। तो क्या संदेशा रहेगा आपका मतदाताओं से, नौगछिया के जनता से जो आपका वीडियो देख रहे हैं या आपके वोटर हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे प्रमोद जी? सबसे पहले तो नौगछिया नगर परिषद के आम जनमानस को सोचना यही होगा कि पूर्व और वर्तमान या आने वाला भविष्य
इन तीनों का सम्मिश्रण लेके चलना होगा, उस आधार पर ही वोट करें, यही मेरा निवेदन है। चाहे वो कोई भी हो, मैं हो कि दूसरा अन्य कोई भी हो, अगर बढ़िया लगता है, हमसे भी कोई बढ़िया है तो आप उन्हीं को दीजिए, लेकिन ये तीनों चीज आकलन निश्चित कीजिए कि कौन किस पैमाने पर है, किस तराजू पर बैठा है, उसको आकलन कीजिए। पूर्व में भी जो किया गया, अभी के सत्र में जो किया गया उसको भी देखिए। और रही बात नगोछिया नगर परिषद की, नगोछिया नगर परिषद स्वच्छ था, रहेगा और भविष्य भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन उसको चलाने वाले कर्ता धर्ता जो है, जब तक नियत और मन साफ करके जन सेवा नहीं करेंगे तब तक। तो निश्चित रूप से आज हमारी बातचीत हो रही है नगोछिया नगर परिषद के वार्ड संख्या 16 के वार्ड पार्षद अजय कुमार उर्फ प्रमोद यादव से। तो आपको कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएंगे, और हाँ, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी अजय प्रमोद यादव जी से पूछ सकते हैं, और अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 97098-94-194। तो करेंगे इसी तरह बातचीत, मिलेंगे कैंडिडेट से भी, जनता से भी, आपसे भी मिलने आएंगे और आपसे भी बातचीत करेंगे। आज के लिए दीजिए अब इजाजत, कैमरामैन सुजीत के साथ मैं वरुण बाबू।